फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी विद अमित। आज अपन राजस्थान के जो भी पशुधन है उनके नस्लों के बारे में पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की जो भैंस होती है और भैंसों के नस्ल क्या है उनके बारे में देखो, एक छोटी सी ट्रिक है। जो भी 8-9 जो भी नस्लें वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, ट्रिक क्या, देखो ये ग्लैंड है, मुरझा गई मैंने की बद्दी सुगर। ठीक है ना, अब देखो कौन कौन सी इसमें ट्रिप बनती है। मुर से होगी एक तो मुरा, ठीक है, मुरा एक हो गया मुरादाबादी। ठीक है ना, ये क्या है मुरा और मुरादाबादी, ये है मुरादाबादी और ये है जाफराबादी। जा सके हो गए जाफराबादी। ठीक है, जा सके जाफराबादी। अब ये लिखा हुआ मैस हो गया मेहसाणी, मेहसाणी ये ना से हो गया नागपुरी। ठीक है, बद्दी से हो गया बदावरी। सूरत से हो गया सूरती। ठीक है ना, एक छोटी सी लाइन याद करनी है, मुरझा गई मैला की बद्दी सूरत। ठीक है ना, मुर से हो गया मुरा और मुरादाबादी, जा से हो गया जाफराबादी, मै से हो गया मैसाणी, ना से हो गया नागपुरी, बद्दी से हो गया बदावरी और सूरत से हो गया सूरती। ठीक है ना, तो ये भैंस की जो नस्ल है उसकी ये ट्रिक है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट देखते अपन गाय की नस्ल क्या है। देखो गाय की नस्ल की ट्रिक क्या है, गाय की नस्ल है कि जहां थारा हरी मामे का नासा में रेड गिरी। ठीक है, लिख देता हूं क्या है, जहां थारा हरी मामे का ठीक है ना, ये लाइन से गाय की जो भी नस्ल है वो हो जाएगी कंप्लीट। देखो जर से क्या हो गया जर्सी। ठीक है, जर से हो गया जर्सी, हॉर्स हो गया होलिस्टीन। ठीक है, दूध हो गया जर्सी और होलिस्टीन। थार से हो गया थारपारकर। ठीक है, थास हो गया थारपारकर, रास हो गया राठी। ठीक है, रास हो गया राठी, हरी से हो गया हरियाणवी। ठीक है, मांस हो गया मालवी। मेष हो गया मेवाती। कहां से हो गया कांकरेज। ना से हो गया नागुरी। ठीक है, सास हो गया सांचोरी। ठीक है, रेड से हो गया रेड डैम और गिरी से हो गया गिर। ठीक है, ये सारी गाय की नस्ल है सारी कंप्लीट हो गई। देखो जर्स हो गया जर्सी, जर्सी कहाँ की है, जर्सी तो है अमेरिका की। हा से हो गया होलिस्टीन, हॉलैंड की। था से थारपारकर, रा से राठी, ये रणवी, ये मालवी, ये मेवाती,
ये कहां से हो गया कांकरेज, कहां से क्या हो गया कांकरेज, ना से नागोरी, सा से साचोरी और रेड डैन, ये डेनमार्क की और गिरी से हो गया गिर। ठीक है ना, ये टोटल गाय की नस्लें होगी कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखो नेक्स्ट रहता है भेड़ की नस्ल। भेड़ की नस्ल में क्या है, दो लाइन याद करनी पड़ेगी। एक जो दोहा होता है ना, दोहा दोहे के फॉर्म में याद करोगे तो याद हो जाएगी। जैसे दो लाइन है, चौका मालरा, सोना मारवाड़ी, पूना मगरारा, जैसलबारी। ठीक है ना, दो तीन बार याद करोगे याद हो जाएगी। ठीक है ना, चौका मालरा, सोना मारवाड़ी, पूना मगरारा, जैसलबारी। देखो चौका से तो हो गया चोकला भेड़, भारत की मेरिनो। ठीक है, क्या नाम है, चौका से तो हो गया चोकला। ठीक है, चोकला भेड़ होगी। माल से होगी मालपुरी, मालपुरी। ठीक है ना, सोना से होगी सोनारी, सोनारी। ठीक है ना, मारवाड़ी लिखा ही हुआ है, देख रहे हैं कितनी मारवाड़ी है। ठीक है ना, पू से होगी एक तो पुगल, पुगल। ना से हो गया नाली, मगरा तो लिखा हुआ है। ठीक है ना, जैसल का तो जैसलमेरी हो गया, जैसल का जैसलमेरी हो गया, और बावड़ी तो लिखा हुआ ही है। ठीक है ना, मतलब एक दो तीन पांच ही अगर याद करने रहेंगे, दो बार इसको पढ़े तो याद हो जाएगा, चौका मारवाड़ी, सोना मारवाड़ी, पोखल मारवाड़ी, जैसल बागड़ी। ठीक है ना, तो ये बार ये जो पेड़ की नस्ल है वो हुई। ठीक है ना, कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते इसके बाद में। देखो नेक्स्ट क्या आता है, बकरी की नस्ल। अब बकरी की नस्ल कैसे याद करेंगे, ठीक है ना, देखो याद करने की ट्रिक, छोटी सी बाज शेप में बस बस। ठीक है, चार शब्द है, बाज शेप में मासी। देखो बाज से क्या है, बाज से एक तो है बार बड़ी, इसको और क्या बरवाड़ी भी बोलते हैं, बरवाड़ी, बरवाड़ी, बरवाड़ी भी बोलते हैं, बारवाड़ी या बरवाड़ी। जैसे होता है जखराना, जखराना भी होता है, और एक होती है जमुनापारी। ठीक है, और शेप्स, शेप से होता है सिखावटी। कैसे हो गया सिखावटी, सिखावटी। पास हो गया पर्वतसरी, पर्वत सरी। ठीक है, पर्वतसरी हो गया। और मार से तो है मारवाड़ी, शीर्ष हो गया सीरियल। ठीक है ना, ये हो गया कंप्लीट। बकरी की नस्ल यही है, बार शेप में मासी। बास हो गया बारवाड़ी, जिसको बरवाड़ी भी बोलते हैं, और जैसे जखराना, या जखराना भी है और जमुनापारी भी, दो अलग अलग है, जखराना और जमुनापारी। शेष हो गया शेखावटी, पर्स हो गया पर्वतसरी, मास हो गया मारवाड़ी, और शीर्ष सीरियल। ठीक है ना, ये होगी बकरी की नस्ल। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। देखो घोड़ा की नस्ल क्या है, घोड़ा की नस्ल की ट्रिक क्या है। मामा का
बाजार थे, ठीक है। देखो ये जो पहला माँ है इससे तो गया मालानी, ठीक है ना, मालानी। एक माँ है इससे हो गया मारवाड़ी, ठीक है ना, मालानी और मारवाड़ी। काल से हो गया काठियावाड़ी, ठीक है। ये घोड़ा था अपन, ये पंडित है, ठीक है ना। बास हो गया बाड़मेर, तो ये जो घोड़े हैं बाड़मेर के अंदर मिलते हैं, जालौर में मिलते हैं, झालावाड़ में मिलते हैं और उदयपुर में मिलते हैं, ठीक है। तो ये लाइन याद कर लेना, मम्मा का घोड़ा लड़ा है बाजार जम, ठीक है ना, मलानी मारवाड़ी काठियावाड़ी, ठीक है ना। ये घोड़े जो है ये यहाँ बोलते हैं बाड़मेर जालौर झालावाड़ उदयपुर के अंदर, ठीक है ना। तो ये घोड़ा की नस्ल और कहाँ पर मिलते हैं वो हो गए यार। इसके बाद में एक ही अतः इम्पोर्टेंट हुआ है ऊंट की नस्ल। देखो इम्पोर्टेंट ऊंट की नस्ल दो ही है जो इम्पोर्टेंट है, एक तो है नाचना ऊंट, नाचना ऊंट है ये जैसलमेर के अंदर मिलता है, जैसलमेर की नस्ल है ये जैसलमेर की। और दूसरा होता है गोमट, ये गोमट का मिलता है, ये मिलता फलोदी में, ये फलोदी की नस्ल है, फलोदी जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारे जितने भी जो इम्पोर्टेंट नस्ल थी वो सारी कंप्लीट होती है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।